ओके जी, अभी इस वीडियो में हमने ना फार्मा का लास्ट जो टॉपिक है ना, फर्स्ट चैप्टर का वेनिकोमाइसिन जो है ना, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है कुछ भी नहीं, ये सिर्फ जो है ना वो एंटीबायोटिक ऐसे बैक्टीरिया जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होती है ना, फॉर दोज बैक्टीरिया विच आर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, उनके लिए जो है ना हम वेनिकोमाइसिन जो है ना वो यूज़ करते हैं। नेवर यूज एज ए फर्स्ट ड्रग, मतलब फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस जो है ना, इसको कभी यूज़ नहीं कर रहा, हमेशा लास्ट पे जो है ना इसको करना, क्योंकि ये सबसे ख़तरनाक है, वो बैक्टीरिया जो किसी से नहीं मरते इससे मर जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले नहीं देते, ये ना हो कि अगर कोई बंदा सही है तो उसको रेजिस्टेंस ना हो जाए, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन थोड़ी सी मैं जल्दी से बता दूँ, इसका होता कुछ भी नहीं है, यूँ कर लें, यूँ और ये ट्रांस ग्लाइकोसाइडेशन और नीचे आप ट्रांस पेप्टाइडेशन, ठीक है, ये एक चेन आप देख लें, ठीक है, बुक के अंदर इस तरह करके आपको शायद दिख ही जाए। ये हो गया हमारे पास ट्रांस ग्लाइको साइडेशन और ये हमारे पास ट्रांस पेप्टाइडेशन, ठीक है, किसके अंदर है, सेल वाल के अंदर भाई। अब क्या होगा, वेनिकोमाइसिन क्या करेगी, स्टॉप करेगी बोथ ट्रांस ग्लाइकोसाइडेशन भी और ट्रांस पेप्टाइडेशन, इन दोनों को जो है ना वो स्टॉप कर देगी। जब ये दोनों स्टॉप करेंगे तो बैक्टीरिया सेल वाल ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से मैंने बताया ताकि आपके जहन में ये एक मेमोराइज बन जाए ना, ठीक है। बैक्टीरिया सेल वाल की समझ नहीं होगा, ये करता क्या है वेनिकोमाइसिन, बाइंड कहाँ पर जाके करेगा, ये हमारे पास जो है ना सेल वाल के अंदर होता है डी एला, ठीक है, और डी एला डी एला डी एला जो होता है ना वो एक पोर्शन होता है ऑफ पेंटापेप्टाइड, ठीक है, पेंटापेप्टाइड का डी एल एक पोर्शन होता है जो क्या करता है, स्टॉप करता है रिएक्शंस को, ठीक है। तो इसी वजह से सारे का सारा हमारे पास ये आता है। यहाँ पे मैं सपोज कर लें, यहाँ पे जो डी एल लगा हुआ प्रोटीन्स जो कि पेंटा के जो वो स्टॉप सारे का सारा रिएक्शन होता है, बैक्टीरिया बहुत तेज है, उन्होंने ना क्या किया, यहाँ पर जो डी एल है ना इसकी जगह डी लैक्टेट लगा दिया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, मतलब बुक के से उसने लिखा कि डी एला की जगह ना बैक्टीरिया ने डी लैक्टेट लगाना शुरू कर दिया है, एक बात ये लिखी हुई है। तो डी लैक्टेट क्या करेगा, वेनिकोमाइसिन तो है ना यहाँ पे माइंड ही करती थी ना डी एला के ऊपर, जब डी एला ही नहीं है तो डी लैक्टेट लगा हुआ था, वेनिकोमाइसिन माइंड ही नहीं करेगा, तो ट्रांसपेप्टाइडेशन भी होगी, ट्रांस ग्लूकोसाइडेशन भी होगी, सेल वॉल सिंथेसिस हो जाएगी। तो ये बैक्टीरिया म्यूटेशन बता रहा हूँ, सही है। अगर डी एला की जगह डी लैक्टेट लग गया तो कोई भी एक्शन नहीं होगा वेनिकोमाइसिन का, और इन दी एंड क्या बनेगा, एक मोटी लेयर जो है ना पेप्टाइडोग्लाइकेन की वो बन जाएगी। तो फिर वेनिकोमाइसिन जितनी आप मर्जी दे दो असर ही नहीं करेगा, नो एंट्री ऑफ वेनिकोमाइसिन, नो एक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा हम इसका अगर स्पेक्ट्रम देख लेना, स्पेक्ट्रम किस तरह का आपको दिखेगा, स्पेक्ट्रम में कुछ भी नहीं है ना, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी अगर मैं कह दूँ, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, बहुत ही नैरो इसका स्पेक्ट्रम दिखेगा, क्या होगा, लेकिन ये यूज होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस केस के अंदर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जितने भी केस होते हैं ना, जो सारी ड्रग के रेजिस्टेंस हो चुकी है तो फिर हम वेनिकोमाइसिन देते हैं मल्टी ड्रग, जिस तरह हम हो गया मरसा हो गया, मेथिथिलीन नेफिसिलीन रेजिस्टेंस स्टेप ओरियस हो गया, ठीक हो गया, और वर्सा एक होता है, ठीक है, वेनिकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेप ओरियस होता है, ये इसके लिए सारे का सारा होता है, ठीक है, या फिर पेंसिलिन रेजिस्टेंस PRSP एक होता है, PRSP पेंसिलिन रेजिस्टेंट सेप्रो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी उनके अंदर होता है। बेस्ट किसके लिए है, ये वो कहता है कि ये जो वेनिकोमाइसिन है ना ये आपको बेस्ट इसका एक्शन मिलेगा क्लॉस्ट्रिडियम जो होता है ना, डिफ्थेरिया होता है क्लॉस्ट्रिडियम डेफिसाइल और एक बॉचुलिज्म और एक हमारे पास होता है टी से टेटनस होता है, ठीक, उन्हीं की कैटेगराइज में होता है क्लॉस्ट्रिडियम डेफिसाइल, ठीक है। अब अपनी बैक्टीरियोलॉजी थोड़ी सी याद करें तो क्लॉस्ट्रिडियम डेफिसाइल के खिलाफ जो है ना वो ज़्यादा एक्शन इसका अच्छा होता है। अब अगर इसके मैं एडवर्स इफेक्ट बता दूं तो रेड मैन सिंड्रोम होता है, ठीक है, रेड मैन सिंड्रोम, बल्कि मैं रेड से ही लिखता हूँ ताकि आपको याद रह जाए, वेनिकोमाइसिन क्या होता है, रेड मैन सिंड्रोम करवा देती है। होता क्या है रेड मैन सिंड्रोम में,
अगर आईवी आपने इंट्रावेस्कुलर जी तेज़ तेज़, इसमें बहुत स्लो लगाना होता है ना आईवी, लेकिन अगर तेज़ लगा दिए तो बंदे को जो है ना वो फ्लशिंग होना शुरू हो जाएगा, मतलब सुरख लाल सुरख उसका चेहरा होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे की सारी बातें थी वेनिकोमाइसिन के बारे में। यहाँ बैक्टेरियोसिलिक डीएलए की उसने बात कर दी, ठीक है, और प्रिवेंट करता है इलोंगेशन पेप्टाइडोग्लाइकेनों के, वो इंटरफेयर करता है, इसके अलावा वर्सा और मरसा वो मैंने सारे बता दिए। डीएलए की जगह डी लैक्टेट लगा लेगा तो वो हमारे पास नहीं होगा, इसीलिए वो नैरो स्पेक्ट्रम में यूज़ फॉर सीरियस इन्फेक्शन ड्रग रेजिस्टेंट मल्टी ड्रग जो रेजिस्टेंट है तो उनके लिए यूज़ करता है। और यहाँ पेंसिलिन रेजिस्टेंट पीआरएसपी मैंने बता दिया, क्लास्ट्रिडियम डिफिसाइल के लिए बेस्ट है ये, और इसके अलावा टिको पेलेनो टिको मैंने वो बच्चों वाली बातें आपने। नेक्स्ट हम याद करते हैं फास्फोमाइसिन हो गया, ठीक है, यहाँ भी देखो वो चिल हो गया, फीवर हो गया, रैपिड इंटरवेंस जिन्होंने रेड मैन सिंड्रोम भी वो करवा रहा है, मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। फास्फोमाइसिन का थोड़ा सा एक्शन मैं बता दूँ जल्दी से, यार कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे अपने भी एग्ज़ाम है, लेकिन इंशाल्लाह जो है ना हम बहुत जल्द कवर कर लेंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बस अल्लाह पाक ही मत देने वाले हैं, बाकी हूँ जितना मुझे आता है यार, ज़्यादा नहीं तो जितना आता किसी एक की जो है ना वो हेल्प हो जाए तो मेरा शायद मकसद हो जाए। फास्फोमाइसिन जो होता है ना वो क्या होता है, फास्फोमाइसिन बेसिकली क्या है, बैक्टीरियल ये साइटोप्लाज्मिक जो इंजाइम है ना, ठीक है, उनके पास एक कह लें कि इनहेबिट करता है उनके इंजाइम को, जो बैक्टीरिया का आपको बता देता हूँ ना साइटोप्लाज्म है ना उसके अंदर इंजाइम होते हैं, कौन सा इंजाइम आपने बताना है सर, ये साइटोसोलिक इन ऑयल पाइरोवेट ट्रांसपीरेज, ठीक है, ये नाम आपने याद CEPT इस तरह करके कुछ बनता है ना CEPT, ये क्या करता है, ये इंजाइम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पेप्टोइडो ग्लाइकेन की जो है ना वो सिंथेसिस में, ठीक है, पेप्टाइडो ग्लाइकेन की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड का नाम आपने सुना होगा, तो बस ये इसी से रिलेटेड है, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। अब क्या होगा, ये फास्फोमाइसिन क्या करता है, ये इनहेबिट करता है साइटोसोलिक इनाइल पाइरोवेट को इनहेबिट कर देता है, तो बस काम हो गया। सिंगल डोज है ना ड्रग इज लेस इफेक्टिव इन 7 डोज ट्रीटमेंट विद फ्लोरोक्विन, ठीक है, सिंगल डोज हमेशा इसकी दी जाती है, ठीक है, और लेस इफेक्टिव है इन 7 डोज ट्रीटमेंट ऑफ द फ्लोरोक्विन अलोन, बस एक बात ये देखी हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो एंटी मेटाबोलाइट एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड का मैंने बता दिया, ठीक है, और साइटोसोलिक इनाइल पाइरोवेट ट्रांसफरेज, इनाइल पाइरोवेट ट्रांसफरेज के नाम मैंने बता दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस टू फास्फोमाइसिन वाला डिसऑर्डर वही है, फास में मिनिमल इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन जो है ना यूरिनरी लेवल में एक्सक्रीटिंग में, वही कह रहे हैं ड्रग इज इफेक्टिव देन ए 7 डोज ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरोक्विन, कह रहा है कि इसका एक सिंगल डोज इतना असरदार है कि अगर हम 7 दिन तक फ्लोरोक्विन लेवल भी दे देना, ठीक है, वो भी इतनी असर नहीं करती जितनी ये एक सिंगल डोज इसकी असर करती है, बस यही बात लिखी हुई है जो, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो है बेसिट्रेसिन हो गया, बेसिट्रेसिन क्या करता है, कुछ भी नहीं करना, इनहेबिट करना है सेल वॉल की सिंथेसिस को, ठीक है, मतलब कि ये जो इसने लिखी हुई है ना बेसिट्रेसिन हो गया, इसने करना क्या है सेल वॉल सिंथेसिस को वगैरह इनहेबिट करना है, लेकिन 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 ये जो है ना वो नेफ्रोटॉक्सिक है, किडनी किडनी जो है ना उसको डैमेज करवा देती है बेसिट्रेसिन का बाद ये जो है, ठीक है, ब्लास्ट करवा देती है किडनी का, नेफ्रोटॉक्सिसिटी है। नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लोस्पोरिन, ये टीबी में सेकंड लाइन ऑफ ड्रग, बस ये बात याद रखनी है, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर जो है ना ये सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन नहीं सेकंड लाइन ऑफ ड्रग जो है ना वो जो फर्स्ट लाइन पे जो है ना वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं उनके लिए सेकंड लाइन ड्रग होगा। नेक्स्ट हमारे पास डेप्टोमाइसिन है, ये क्या करती है, मायोपैथी करवाती है, मसल डैमेज करवा दी जाती है, मतलब कैरेटिन काइनेज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, कैरेटिन फास्फोकाइनेज शुड बी मॉनिटर्ड डेप्टोमाइसिन में काज मायोपैथी, ठीक है, अगर इसका लेवल हो देना नॉन नोवल साइकिल भी उसी तरह की एक्ट करता है वेनिकोमाइसिन, लेकिन ये रेजिस्टेंट टू एंटेरोकोका स्टेफिलोकोका, ये अगर कैरेटिन फास्फेट का लेवल आपको वो कह रहा है ज़्यादा मिले तो समझ जाना कि और मसल स्पैज में हो रहा है तो ये मायोपैथी करवा देगी, बस एक बात ये है। तो गाइस होप सो कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी इस चैप्टर के बारे में, ज़्यादा नहीं तो एक आइडिया तो हो ही गया होगा ना कि किस तरह इस चैप्टर को जो है ना वो कवर करना है। बाकी आप जो है ना वो अच्छा रट्टा शट्टा लगाने वाले हैं, लगाना तो रट्टा ही ड्रग का है, इसको मैं क्या मतलब मैं क्या इसके अंदर से निकाल कर दूंगा आपको कि ये क्या है, ड्रग्स के नाम है रट्टा लगाना है, और मेरी तो प्रोनाउंसिएशन भी ख़राब कर दी इन ड्रग्स ने, और मुझे इसकी वजह से काफ़ी जो है ना डांट भी पड़ी अपने टीचर्स की वजह से, नो डाउट, लेकिन
अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ ना कुछ जो है ना वो कवर कर ही लेंगे आप ना। थैंक यू सो मच। अभी जो है ना वो नेक्स्ट मैंने बनानी है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के ऊपर, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आ जाएँ और बताना यार कमेंट सेक्शन में कैसी वीडियो बनानी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।